नमस्कार सभी छात्रों को। कक्षा आठवीं और हिंदी में हम व्याकरण का वचन परिवर्तन पाठ देख रहे थे, उसमें हमने आगे देखा था अकारांत पुल्लिंग में ए जोड़ा था, ह्रस्व ए जोड़ा था, अकारांत स्त्रीलिंग में दीर्घ ए जोड़ा था और अकारांत स्त्रीलिंग में ए जोड़ा था। तो आगे हम देखेंगे, यहाँ हम देख सकते हैं कि इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में इकारांत यानी कि हस्वई जो होता है, जो छोटा होता है, वो हस्वई इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। शब्द के अंत में इकारांत स्त्रीलिंग शब्द जो होता है उसके शब्द के अंत में या जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। यहाँ पे लिखा है तिथि, ये दोनों ह्रस्वई है, इकारांत स्त्रीलिंग है, तो उसका क्या होगा, उसके अंत में तिथि इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जोड़कर, तिथि के पीछे क्या लगाना है हमें, या, तो क्या होता है तिथिया। वैसे ही विधि तो विधिया, लिपि तो लिपिया, जाति तो जातिया, पंक्ति पंक्तिया, नीति नीतिया। आगे देखिए दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द का, ये वाला जो ई है वो दीर्घ ई है। दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन करने के लिए ये जो शब्द दिया गया है उसका बहुवचन करने के लिए शब्द के अंत में दीर्घ ई को ह्रस्व ई करके, दीर्घ ई यानी कि बड़ा ई, ये जो बड़ा ई होता है उस बड़े ई को ई करके यानी कि छोटा ह्रस्व ई, ये छोटा ई है उसको ह्रस्व ई करके या जोड़ दिया जाता है। ये दीर्घ ई है और ये ह्रस्व ई है, तो दीर्घ ई का ह्रस्व ई हो जाता है और शब्द के अंत में या जोड़ दिया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सखी लिखा हुआ है, तो सखी में दीर्घ ई है, तो उसका बहुवचन करने से जो खी है दीर्घ ई है वो ह्रस्व ई हो जाता है और शब्द के अंत में या लगा दिया जाता है, तो क्या हो जाता है, सखी तो सखिया, खिड़की खिड़किया, मछली मछलियाँ, चींटी चींटियाँ, डाली डालियाँ, कली कलियाँ। आगे देखिए इया अंत वाले स्त्रीलिंग शब्द का, इया अंत वाले स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन करने के लिए इया, यहाँ पे हम पढ़ते हैं पूड़िया, तो इया का पठन होता है। बहुवचन करने के लिए शब्द के अंतिम या को, जो अंतिम या है उस या को या कर दिया जाता है, या के ऊपर अर्धचंद्राकार का चिन्ह लगा दिया जाता है और उसका बहुवचन बन जाता है। तो देखिए पुड़िया का क्या होता है, पुड़िया, चूहिया का चूहिया, बुढ़िया का बुढ़िया, चिड़िया तो चिड़िया, डिबिया डिबिया, गुड़िया तो गुड़िया। आगे देखते हैं उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ने से बहुवचन बनता है वस्तु, उ का उच्चारण होता है तो वो उकारांत है, ह्रस्व उ है। उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया जाता है तो वस्तु तो वस्तुए, धेनु धेनुए, ऋतु ऋतुए, ये ह्रस्व उ है। और आगे देखते हैं हम दीर्घ उ, दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में उ का उ करके ह्रस्व, दीर्घ उ का ह्रस्व उ करके ए लगाने से बहुवचन बनता है। ये दीर्घ उ है वधु, तो उसका क्या जो हो जाता है, ह्रस्व उ हो जाता है वधुए। यहाँ दीर्घ उ को ह्रस्व उ बनाया जाता है और अंत में ए जोड़ दिया जाता है, वधु वधुए, जू जुए। आगे देखते हैं अवकारांत शब्द, अवकारांत शब्द में गौ, तो पीछे क्या बोला जाता है, औ, तो उसका क्या हुआ, गौए। कौ लिखा होता है तो उसका क्या होता है, कौए। आगे देखते हैं अवकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगा करके बहुवचन बनाया जाता है, औ, औ का हमने पठन किया ना अभी, औ तो गौ गौए, कौ तो कौए। आगे देखते हैं हम एक वर्ग दल या समूह का बोध कराने के लिए, कोई भी एक वर्ग दल यानी कि समूह का बोध कराने के लिए कुछ एकवचन शब्दों के अंत में गण वर्ग वृंद जन जैसे शब्द जोड़ दिए जाते हैं, जैसे कि प्रजा तो प्रजाजन, पाठक तो पाठकगण, लेखक तो लेखक वृंद, मजदूर तो मजदूर वर्ग, गुरु गुरुजन, श्रोता
श्रोतागण, अध्यापक, अध्यापक वृंद, शिक्षक, शिक्षक वर्ग, छात्र, छात्रगण, कवि तो कविगण। तो हमारा वचन परिवर्तन का जो व्याकरण का टॉपिक था यहाँ पे पूर्ण होता है। थैंक यू।